नमस्कार साथियों। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर जीके के बारे में, जो लगभग सभी एग्जामों के लिए जरूरी रहते हैं। जिस एग्जाम में कंप्यूटर का महत्व है, उन सभी में पूछा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना बूटिंग कहलाता है। सीएडी का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना रीबूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर का डेटा संख्या में रहता है। कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप कहा जाता है। टेली प्रोसेसिंग का प्रयोग तीसरे कंप्यूटर पीढ़ी के कंप्यूटरों में हुआ है। ठीक है, टैग बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है। सीबीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है। मदरबोर्ड पर सिस्टम बस होता है, जो सीपीयू को कंप्यूटर के अन्य भागों से जोड़ता है। मशीनी स्तर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती है। ईमेल एड्रेस के दो मुख्य भाग होते हैं, एक यूजर नेम दूसरा डोमेन नाम। एप्लीकेशन का प्रयोग कंप्यूटर पर विभिन्न तरह के कार्यों को करने के लिए किया जाता है। फोटोशॉप फोटोग्राफी से संबंधित एक सॉफ्टवेयर है, जिसका प्रयोग फोटोग्राफ को आकर्षित बनाने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट से संबंधित सॉफ्टवेयर है। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था। कंप्यूटर के आंतरिक स्टोरेज को प्राथमिक स्टोरेज भी कहा जाता है। फर्मवेयर एक तरह का प्रोग्राम है, यह कंप्यूटर निर्माण के समय ही कंप्यूटर में डाला जाता है। वैक्यूम ट्यूब यह पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपयोग की जाते थे। अरनेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर स्क्रीन पर बिंड करने वाले प्रतीक को कर्सर कहते हैं। .edu डोमेन नाम शिक्षा के लिए किया जाता है। .com ये डोमेन का उपयोगी वेबसाइट के लिए किया जाता है। .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए उपयोग किया जाता है। .in डोमेन का उपयोग भारत के लिए किया जाता है। .us डोमेन का नाम उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए किया जाता है। .uk इस डोमेन का नाम ब्रिटेन के लिए किया जाता है। .jp इसका उपयोग जापान के लिए किया जाता है। .eu डोमेन का उपयोग ऑस्ट्रेलिया के लिए किया जाता है। विश्व की सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली वेबसाइट है गूगल। अलेक्सा रैंक विश्व में वेबसाइट की रैंक देखने के लिए किया जाता है। भारत में सबसे पहले सिक्किम ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराया था। बाइनरी नंबर का आधार होता है 2। ASCII का पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर की सभी गणनाएं CPU में होती हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट में मापा जाता है। कंपाइलर उच्च श्रेणी के प्रोग्रामिंग भाषा को निम्न श्रेणी के प्रोग्रामिंग भाषा में बदल देता है। उच्च श्रेणी की भाषाएं इंसानों की समझ में आती हैं। निम्न श्रेणी की भाषाएं मशीनी भाषा होती हैं, जिस मशीनों को समझ में आती हैं। वायरस एक प्रोग्राम होता है, जिन्हें कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। Ctrl+P शॉर्टकट का उपयोग किसी पेज को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। Ctrl+S का उपयोग किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किया जाता है। Ctrl+A शॉर्टकट का उपयोग किसी पेज पर उपस्थित सभी टेक्स्ट, इमेज, वीडियो इत्यादि को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। Ctrl+C शॉर्टकट का उपयोग किसी सिलेक्ट कंटेंट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। Ctrl+X का शॉर्टकट का उपयोग किसी सिलेक्ट कंटेंट को कट करने के लिए किया जाता है। Ctrl+V शॉर्टकट का उपयोग किसी कॉपी या कट किए गए कंटेंट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। Ctrl+N शॉर्टकट का उपयोग
नया डॉक्यूमेंट या नया फाइल बनाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट का उपयोग किसी फाइल या डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किया जाता है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हाइपरलिंक किसी वेब पेज का पता होता है। सेंट्रल कंप्यूटर डम्ब टर्मिनल कहा जाता है। सेंट्रल कंप्यूटर को डम्ब टर्मिनल कहा जाता है। स्टोरेज डिवाइस के मुख्य फोल्डर को रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। किसी फाइल को इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में सेव करने को डाउनलोड करते हैं। किसी फाइल को अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर सेव करने को अपलोड कहते हैं। विंडोज कंप्यूटर पर स्लाइड शो बनाने के लिए मुख्यतः एमएस पावर पॉइंट किया जाता है। एमएस ऑफिस सबसे ज़्यादा प्रचलित ऑफिस सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा लिबर ऑफिस भी एक प्रचलित सॉफ्टवेयर ऑफिस सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री है। मॉडेम का संबंध फोन लाइन से होता है। ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। ALU CPU का ही एक भाग है। कंप्यूटर का CPU मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन फ्लो चार्ट कहलाता है। मल्टीमीडिया वेबसाइट विकसित करने के लिए सबसे प्रचलित प्रोग्रामिंग भाषा जावा है। हॉटमेल के निर्माता साबिर भाटिया है। WFP का पूरा नाम वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है। किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने वाले वर्जन को बीटा वर्जन कहते हैं। इंटेल कंपनी के संस्थापक बॉब नोई तथा गॉर्डन मूरे हैं। कंप्यूटर की गणना क्षमता मानव के दिमाग से तेजी होती है, लेकिन मानव दिमाग की तरह कंप्यूटर सोच नहीं सकता। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का विकास मैकेंटोस कंपनी ने किया। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एका, इसको टाटा ग्रुप ने बनाया है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन टूरिंग को माना जाता है। भारत का सिलिकन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। इंटरनेट को इंफॉर्मेशन हाईवे कहा जाता है। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर वायरस चेन्नई में पाया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स ने किया है। भारत का सिलिकॉन राज्य कर्नाटक को कहा जाता है। भारत का सबसे पहला ग्रामीण साइबर केंद्र उत्तर प्रदेश में बनाया गया था। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर का विकास अमेरिका में हुआ था। T3 विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। कोबोल का पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। किप्स 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है। 4वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों को आधुनिक कंप्यूटर कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क के एक सेक्टर में 128 बाइट होते हैं। यूनिबैक पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। पंच कार्ड प्रोसेसिंग के जनक डॉक्टर हिरमन हिलेल है। चिप्स के निर्माण में कंडक्टर्स का उपयोग किया जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर अमेरिका में है। संकर कंप्यूटर एनालॉग तथा डिजिटल दोनों से मिलकर बने होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का जनक टिम वर्सनली को कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए संस्कृत सबसे उपयुक्त भाषा है। किसी फोल्डर के अंदर की फोल्डर को सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी कहते हैं। भारत में सबसे पहले सी ब्रेन नामक वायरस पाया गया था। लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। जिन यंत्रों की सहायता से हम कंप्यूटर को अपने अपने आंकड़े देते हैं वह यंत्र इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जिन यंत्रों की सहायता से कंप्यूटर अपनी गणनाएं हमें डेटा देते हैं उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर आदि आउटपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड माउस टच पैन टच स्क्रीन आदि इनपुट डिवाइस हैं। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों में सामंजस्य
स्थापित करता है। क्राई एक सुपर कंप्यूटर है। माउस को पॉइंटर एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है। रैम में स्थित डाटा टेम्पररी होता है। कंप्यूटर में यूपीएस का कार बिजली चले जाने के बाद कंप्यूटर को बिजली की आपूर्ति करता है। मॉडेम का वास्तविक नाम मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर होता है। वेब पेजों के संग्रह को वेबसाइट कहते हैं। भारत का सुपर कंप्यूटर परम पुणे में बनाया गया था। डॉट मैट्रिक्स पेंटर द्वारा स्टॉक से अक्षर प्रिंट होते हैं। 8 लगातार बिटों की श्रेणी को बाइट कहा जाता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। टास्क बार स्क्रीन के बॉटम पर स्थित होता है। ईमेल का उपयोग संदेश का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। सीडी रोम एक इनपुट डिवाइस है। सुपर कंप्यूटर इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। बिना केबल के जुड़ने वाली डिवाइस को वायरलेस डिवाइस कहा जाता है। GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस होता है। किसी डॉक्यूमेंट में बदलाव करना एडिटिंग कहलाता है। प्रोसेस्ड शेष डेटा को आउटपुट कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। सबसे पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा फोटोन है। मशीन लैंग्वेज में न्यूमेरिक कोड का उपयोग होता है। माउस का आविष्कार 1964 में डॉक्टर डगलस एंजेल वार्ड ने किया था। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी है। ब्लॉग एक तरह की वेबसाइट है जहां ब्लॉग बनाने वाले व्यक्ति अपना विचार प्रकट करता है। डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार जेम्स रसेल ने 1965 में किया था। CDMA का पूरा नाम कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार एलान सुगार्ट ने 1971 में किया था। इंटरनेट का आविष्कार बेंटेन कर्फ ने किया था। हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार टेल नेल्सन ने 1960 में किया था। ICANN का पूरा नाम इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइनेड नेम्स एंड नंबर्स होता है। इस समय विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर IBM रीड रनर है। IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। भारत का सुपर कंप्यूटर 1980 में बनाया गया था। विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है। कंप्यूटर का IC चिप सिलिकॉन से बना होता है। बाजार में बेचने के लिए सबसे पहला कंप्यूटर रेमिंगटन रैंड कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने बनाया था। बिलियन का अर्थ है 100 वर्ष। मिलेनियम का अर्थ है 1000 वर्ष। फाइनेंशियल कोर नामक बैंकिंग सॉफ्टवेयर भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस ने बनाया है। फोर्टून प्रोग्राम भाषा का पूरा नाम फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। किप्स जापान की तकनीकी है। मिनी कंप्यूटर तीसरी कंप्यूटर के पीढ़ी के कंप्यूटर है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। एनालिटिकल इंजन कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था। आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में हुआ। मैग्नेटिक डिस्क में सिक्वेंटियल का उपयोग होता है। भारत का पहला कंप्यूटर युक्त डाकघर नई दिल्ली में है स्थित। ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। जिस बिंदु पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है उसे टर्मिनल कहते हैं। कंप्यूटर आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी तथा प्रिंटेड आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं।
सीडी रोम का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, जिसका पहला कंप्यूटर अबेकस को कहा जाता है। यह उपकरण गणना करने के लिए उपयोग किया गया था। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML का उपयोग वेब पेज डिजाइन में किया जाता है। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रेंटर ट्रैक करते हैं उसे सेल कहते हैं। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। मोबाइल में फ्लैश स्टोरेज उपकरणों का उपयोग किया जाता है। जंक ईमेल में को स्पैम ईमेल के नाम से भी जाना जाता है। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है। आईसी का आविष्कार जे एस किल्बी ने किया था। इंटरनेट ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती हो वर्ल्ड वाइड वेब कहलाती है। वेबसाइट को देखने के लिए ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। क्रोम वेब ब्राउजर दुनिया का सबसे ज्यादा प्रचलित ब्राउजर है। इसके अलावा फायरबॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी इत्यादि भी प्रचलित ब्राउजर हैं। किसी वेब पेज पर चार मार्जिन होते हैं। अपनी स्थिति से हिलाए ना जा सकने वाले मॉडर्न फिक्स मॉडर्न कहलाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर के तीन भाग होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। कंप्यूटर प्रोग्राम भाषा फोर्टून विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। चार बिट के समूह को निप्पल कहते हैं। विश्व का सबसे पहला मोबाइल मोटोरोला नामक कंपनी ने बनाया था। गूगल कंपनी के संस्थापक लैरी पेज हैं। फेसबुक कंपनी के संस्थापक मार्क जुकोबर्ग हैं। विकिपीडिया के संस्थापक जिमी वेल्स हैं। विश्व का पहला कंप्यूटर गेम विलियम हेगेन बॉथम ने 1958 में बनाया था। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर सन 1955 में बनाया गया। अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था। SMS का पूरा नाम शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है। MMS का पूरा नाम मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस होता है। विश्व के पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम यूनिबैक है। वाल्व का प्रयोग पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में होता था। ट्रांजिस्टर का उपयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में होता था। असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क अर्पानेट को माना जाता है। कंप्यूटर की सभी प्रोसेसिंग CPU में होती है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। EDP का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है। स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई वाइट तथा सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट होती है। डेटाबेस में डाटा को रखा जाता है। URL का पूरा नाम यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है। OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइशन होता है। ऑपरेटिंग प्रणाली के बिना कोई कंप्यूटर बूट नहीं कर पाएगा। डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। पास्कल एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स और पाल एलन ने मिलकर 1975 में किया था। वर्तमान में कीबोर्ड की संरचना क्रिस्टोफर लॉथम सॉल्स ने तैयार किया था। GSM का पूरा नाम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है। GPRS का पूरा नाम जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस होता है। वर्तमान डिजिटल कंप्यूटरों में बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग होता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना सन 1977 में हुई थी। हैदराबाद को साइबराबाद भी कहा जाता है। भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगा था। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी IBM है। IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम निर्माण मोबाइल सॉफ्ट निर्माण माइक्रोसॉफ्ट ने किया।
भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका वेबसाइट इंटरनेट पर उपलब्ध है। चलिए, तो ये थे कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन।